माफिया आती कहमत की दो नाबालिग बेटों को या बाल सुधार गृह में रखा गया था, अब उनको आज उनके परिजनों के साथ सुपुर्द किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में उनकी रिश्ते में बहन जो है वो यहां पर पहुंची हुई है। कार आप सामने देख सकते हैं कि सामने कार है और उसी कार में से वो यहां पर आई हुई थी और यहां पर अब उनके सुपुर्द किया जा रहा है। दरअसल 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या होती है, उसके बाद से उनके पूरे परिवार के जो माफिया अतीक अहमद का पूरा परिवार है वो फरार हो जाता है और माफिया अतीक अहमद और उसका जो भाई अशरफ है वो जेल में रहते हैं। लावारिस हालत में दोनों नाबालिग बेटे अजम और आबान पुलिस को मिले थे और पुलिस इसी बाल सुधार गृह में रखे थे। पिछले 8 महीने से दोनों उनके नाबालिग बेटे अजम और आबान वो यहाँ पर थे और आज देखे उनको सुपुर्द किया जा रहा है। आज उनके परिजनों के साथ ये सुपुर्द किया जा रहा है। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये दोनों नाबालिग उनके जो बेटे यहाँ पर थे, हालांकि अब अजम बालिग हो चुका है। पिछले 5 अक्टूबर को अजम बालिग हो गया था, अब परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है। CWC की जो रिपोर्ट थी उसके आदेश पर ही आज बाल सुधार गृह राजरूपपुर में पिछले 8 महीने से दोनों माफिया अतीक अहमद के बेटे बाल सुधार गृह में थे, आज उनके परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है। कैमरामैन सचिन के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। कहाँ हो